सिलेक्टर सी लेंथ टू और हम ये इसे मैंने कर दिया। इसको क्या करेंगे, इस तरह से लगाएंगे। Without a care in the world, I was one rich little girl. मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जो मेरे पास ये फुली ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है इसके ऊपर। ये मैंने अभी कुछ ही महीने पहले ली है और उससे पहले हमेशा जो हैंडहेल्ड मशीन आती है हाथ से जिसे यूज करते हैं, नॉर्मल मशीन आती ना, उसे मैं सिलाई मशीन को उसी को यूज किया करती थी। बढ़िया चलती थी और उससे मैंने अपने घर के लगभग सारे सामान उसी से बनाए थे। और अब मैंने ये इसलिए ली थी कि एक तो इसमें मोटर लगी हुई है तो इससे यूज करना काफी आसान है। तो क्या ये मशीन मुझे वाकई मतलब सही लगी, लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए या इसके क्या फीचर्स हैं, वो ही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन उसके साथ में मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हैं, फैब्रिक पीसेज हैं, उनसे मैं बनाऊंगी मेरा जो सोफा कम दीवान है ना, उसका एक बेडशीट बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे बेडशीट बनानी है अपने एक दीवान कम बेड के लिए, जो कि दीवान के स्टाइल में रहता है और जब चाहें उसे बेड बना सकते हैं। तो ये जो दो फैब्रिक आप देख रहे हो, ये मैं थोड़ा कर्टेंस वगैरह यानी कि ठाकुर जी का सामान बनाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन सोचा इसी से बेडशीट बनाऊंगी। तो दो बिल्कुल अलग कलर हैं कंट्रास्ट में और इनको मैंने मैट्रेस के बराबर जो है नाप लिया है, बिल्कुल मेज़र कर लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, वो आपको बताऊंगी कि वो क्यों रखा है, और मार्किंग करके कट कर लिया है। तो बचे हुए अगर आपके पास ब्रोकेड के, बनारसी साड़ियों के कोई भी फैब्रिक हो तो उससे आप बना सकते हो बहुत ही अच्छी बेडशीट। और पीछे अस्तर के लिए मैंने जो ये फैब्रिक लिया है इसको मैंने वॉश कर लिया है, नहीं तो ये सिकुड़ जाता है और चादर में झोल आता है। और अगर ये ना हो तो कोई पुरानी बेडशीट ले लीजिए सेम कलर की। काफ़ी सारी बेडशीट्स में मैंने जो बनाई हैं नई, उनमें पुरानी बेडशीट मैंने अस्तर की तरह से लगाई हैं। और अब अस्तर को मैंने तीन साइड से सिल लिया है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। मशीन की खासियत यह है कि इसमें दोनों हाथ फ्री रहते हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगता है। हालांकि इसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है और पुरानी मशीन को तो जहाँ कहीं भी रख लो आराम से जो है उसमें काम हो जाता था। मैंने तीन तरफ अस्तर लगा लिया है और नीचे की तरफ जो अस्तर लगा रही हूँ ना, तो मैंने ऐसे ही जो है इसे फोल्ड कर लिया है और हाथ से सारा जो झोल आता है वो नीचे की तरफ ले लिया है ताकि बेडशीट पे अस्तर बिल्कुल अच्छे से लग जाए। तो वही मैं कर रही हूँ, अब इधर से सिलती जाऊंगी और इसे ऐसे खोलती जाऊंगी। बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसमें अस्तर लगा लिया है, दोनों साइड बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट लग रहे हैं। अब मुझे इसमें लगानी है फ्रिल और उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, इस तरह का है। अब ये फैब्रिक 3 meters है और इसके जो इसका अर्ज होता है वो इतना चौड़ा है, देखिए। अब इसके ना मैं तीन मतलब इसमें से तीन पट्टियां निकालूंगी इस तरह से, ये हो जाएंगी दो और एक ये हो जाएगी तीन, इस तरह से बिल्कुल बराबर चौड़ाई में इसमें से मैं तीन पट्टियां निकाल लूंगी, जिसे कि मैं फ्रिल की तरह से यूज करूंगी, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए, मेरी जो मशीन है ना, इसका अब मैं फुट चेंज करूंगी और अब लगाऊंगी ये पीको वाला फुट जो कि मशीन के साथ ही आता है। बस हमें क्या करना होता है, फुट चेंज करना है, उसके बाद सिलेक्टर सी लेंथ टू और हम ये यूज करेंगे पीको वाला फुट। और इसे बदलना बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं है, ये मशीन के साथ ही आता है, बस इसे हटा के हमें इसको लगा लेना है। पहले इस फुट को चेंज करेंगे तो यहां से जो ये लगा रहता है ना एक, ये इसको नीचे दबाएंगे तो ये फुट हट जाएगा, हट गया। ऊपर की तरफ दबाते हैं, इसे निकाल लेंगे और ये देखिए पीको वाला फुट है और इसको मैं लगाऊंगी, इस धागे को इधर किया। जब हम सिलाई शुरू करते हैं ना तो नीचे से यहाँ पे एक बटन होता है, एक इसे ऊपर नीचे करते हैं, तो जब कभी भी हम फुट लगाते हैं तो उसे नीचे रख के इसे नीचे दबाना होता है। वो आपको जब कभी भी मशीन का डेमो देने आए तो आप उनके सामने 2-3 बार इस चीज की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इस फैब्रिक को ना इसमें से यहां यूं फंसा दूंगी तो पीको होनी स्टार्ट हो जाएगी,
इसे मैंने कर दिया सी पे, इसे ये टू पे कर रखा है मैंने, सिलेक्टर सी लेंथ टू, और अब मैं शुरू करूंगी पी को। और पी को करने के लिए किसी भी तरीके की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ी, तो मुझे लगा कि ये अच्छी चीज है, क्योंकि पुरानी वाली मशीन में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। बस उसका जो ये फीचर था ना, कहीं पे भी रख लो और शुरू हो जाओ, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और इस तरह से ना इसमें पीको भी हो जाती है, जो नॉर्मल सिलाई मशीन्स होती है ना उनमें पीको की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, मुझे जाना पड़ता था, मार्केट में करवानी पड़ती थी। और अब इसका आराम यह है कि मेरी पीको हो गई, अब मैं जैसा चाहे वैसा डिजाइन बना सकती हूँ। अब मैं इन तीनों ही पट्टियों को आपस में जोड़ लूंगी और फिर जो हूँ इनकी चुन्नटें बनाऊंगी गैदरिंग फुट की मदद से, और उसे मैं पहली बार यूज करूंगी, क्योंकि जब मशीन ली थी ना तब तो रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया था, मैं यूज ही नहीं कर पाई इसको। ये सारी जितनी भी पट्टियां थी ये मैंने सब जोड़ ली हैं आपस में, और अब मुझे इसमें गैदर बनानी है, यानी जो चुन्नटें। तो पहले मैं वो हाथ से बनाती थी, लेकिन अब है मेरे पास इसी मशीन का गैदरिंग फुट, और इसी को मैं यूज करूंगी। तो जो मशीन के साथ फुट आते हैं वो तो सिंपल चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो अलग से फुट आते हैं जैसे गैदरिंग के हुए, बहुत सारे हैं मेरे पास ये, तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, तो बताती हूँ। तो ये पूरा फुट हटेगा और उसके बाद हम इसको लगाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो ये नॉर्मल फुट लगा हुआ है इसे हटाएंगे, प्रेसर से यहाँ पे प्रेस करा, इसे हटा दिया, ये जो जिससे हम सिलाई करते हैं ये वो फुट था। और अब ये देखिए, अब हमें लगाना है ये वाला जो कि गैदरिंग का फुट होता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक एक स्क्रू दिया हुआ है, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमाएंगे और इसको हमें ढीला करना है। ये पूरा फुट हट जाएगा यहाँ से, फिर ये पूरा लगेगा, इसकी मदद से एंटी क्लॉकवाइज करके खोलेंगे। देखिए ये गिर गया ना नीचे, ये आ गया। इसको क्या करेंगे, इस तरह से लगाएंगे, देखिए ये जो फुट है ना इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गैदर बनेंगी इसमें, तो हम इसे ऐसे ही लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया है, और अब मैं इसे क्लॉकवाइज घुमा के कस दे रही हूं। ये कस दिया देखिए, और ये हमारा तैयार हो गया फुट पूरा, देखिए अच्छी तरीके से। और अब हम यहाँ पे मैं सेटिंग बता देती हूँ आपको, और यहाँ पे इसे चेंज नहीं किया मैंने, टेंशन को 3 पे ही रख रखा है जिस पे मैं सिलाई करती हूँ। सिलेक्टर लिया है ए, और जो लेंथ है वो मैंने 4 ली है, और इस तरह से अब मैं जो हूँ इस पे सिलाई करूँगी। इस मशीन के बहुत सारे फीचर्स मैंने एक पुराने वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत महंगी मशीन लेने से अच्छा है कि हम एक ऐसी मशीन लें जिसमें बेसिक अच्छे फीचर्स हों, और उसकी यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम उसके साथ कुछ और अटैचमेंट्स ले लें जिससे कि उसमें हम और काम कर सकें। तो बहुत ही आसानी से इसमें मैंने मतलब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, फुट चेंज हो जाते हैं, और अब मैंने फिर से पुराना वाला फुट लगा लूँगी इसमें, और तकरीबन मैंने इसके 5 to 7 एक्स्ट्रा फुट्स परचेस कर रखे हैं, और मेरी उषा की वंडर स्टिच मशीन है। और ये देखो कितनी बढ़िया इसमें पूरी गैदरिंग बन गई है, पूरी जिसे कहते हैं ना चुन्नट है, इसे बनाने में मुझे घंटों लगा करते थे, और अब इतने बड़े करीब 3 मीटर ये फैब्रिक था, और 3 पीस में कट किया 9 मीटर हो गया है, और फटाक से लग गई। बस फुट चेंज करना होता है और बिल्कुल मतलब इक्वल आई है, ये नहीं कि कहीं छोटी कहीं बड़ी, और बहुत बढ़िया लग रही है। और जब कहीं जाए तो मशीन को ना लॉक कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे घर पे हैं, क्योंकि पूरी देखिए इसमें वो लगा हुआ है ना पावर सप्लाई वगैरह, या तो यहाँ से बटन होता है उसे भी बंद कर सकते हैं। ये हो गया बटन बंद, और इसको कर दिया बाहर, अब हो गई मशीन लॉक, यहाँ पे होता है ना ये, और मैं ये सारा ऐसे ही छोड़ जा रही हूँ, और डेटा वगैरह कॉपी करके जाऊंगी कैमरा से, और फिर आके आगे का काम करूंगी। ये है इसका सीधा पार्ट, पीछे हमने अस्तर लगाया है, और इसके ऊपर हम रखेंगे इस फ्रिल को जो हमने बनाई है गैदरिंग, इसके ऊपर रखेंगे इसका भी उल्टा पार्ट। तो देखिए जब इसे खोलेंगे तो दोनों सीधे आ जाएंगे सामने। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस पे लगानी है, इन दोनों को अटैच करना है। तो इसे हम 3 तरफ अटैच करेंगे और पीछे का साइड जो है छोड़ देंगे।
जो इस तरह की फ्रिल्ड बेडशीट्स होती हैं, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इनसे लुक बहुत रिच आता है, और अगर आप कुछ पुराने यूरोपियन स्टाइल्स में देखोगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा इस तरीके की बेडशीट्स का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये हमेशा से बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये मेरी तैयार हो गई है, और देखिए इसे मैंने अपने दीवान कम बेड में बिछाया तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी फ्रिल नीचे तक आई है। मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए रखा था क्योंकि इसके साथ एक मैट्रेस और आता है जो इसके ऊपर रखा रहता है। देखिए, जब इसको बेड में कन्वर्ट करते हैं तो इस मैट्रेस को हमें हटाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसे एक्स्ट्रा रखा था। और देखिए, वो मैट्रेस मैंने बिछा दिया है और वो थोड़ा सा ये आगे से इस तरीके से आती है तो ये अच्छी लगती है। पीछे के साइड्स पे मैंने फ्रिल नहीं लगाई है, और अब मैं इसमें लगाऊंगी लेस, इससे ये बहुत सुंदर लगती है। तो लेस बहुत आसान है लगाना, देखिए लगा ली है, एक सीधी सिलाई मैंने इसमें लगाई है, और इस तरह से एक परफेक्ट मेरी जो है बेडशीट रेडी हो गई है। इस तरीके की पिछवाई के बहुत सारे फैब्रिक मिल जाते हैं, जैसे जो मंदिर में लगाए जाते हैं, आजकल बहुत इन है इस तरीके की चीज़ें। तो ये मेरे पास दो हैं पीस, इसके एक बड़ा और छोटा है। इसको भी मैं कहीं पे भी, जैसे टेबल क्लॉथ होता है या कहीं पे कवर करने के लिए, जैसे आप किचन में भी माइक्रोवेव ओटीजी वगैरह जो होते हैं उन्हें कवर करने के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये इस तरीके की दो लटकन हैं, इनको इसमें हैंग करूँगी। अब हैंग करूँगी तो वॉश कैसे होंगी, गंदी हो जाएंगी, तो मतलब ये क्योंकि लटकन खराब होने का डर रहता है, तो मैंने सोचा इसमें मैं एक बटन लगा दूंगी और बटन में आसानी से इन लटकन को लटका दिया करूंगी, और जब वॉश हुआ करा करूंगी तो इस लटकन को हटा दूंगी। और लटकन बनाना बहुत ही आसान होता है, मैंने अपने पुराने वीडियोज में आपके साथ बहुत सारी लटकन बनाना शेयर कर रखा है। तो ये देखिए, इस तरीके का एक बटन है सुंदर सा, इसको मैं लगाऊंगी और ये एक बहुत ही अच्छी चीज बन जाएगी। जैसे ठाकुर जी के आसपास जहाँ कहीं भी चौकी होती हैं या कहीं पे, अगर आप बेड पे भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बेड के लिए हालांकि नहीं बनाए हैं, ठाकुर जी के आसपास थोड़ा सा डेकोरेशन करूंगी मैं, टेबल्स वगैरह लगा के वहाँ लगाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैंने इसको बेड पे ही रख दिया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। सबसे पहले लगाऊंगी बटन इसमें और इसको कंप्लीट करूंगी। और इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज करके अभी तो फिलहाल लगा दी हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, लेकिन मेरा मेन पर्पस था कि आप लोगों के उस कमेंट का और क्वेश्चन का रिप्लाई करना कि ये मशीन कैसी है, अपना रिव्यू दूं। तो दोनों ही मशीन अपने बजट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है एक अच्छी मशीन लेने का तो आप ऊषा का ये वंडर स्टिच मॉडल ले लेना। मैंने इसे 4-5 महीने पहले लिया था और मुझे ये बिल्कुल सही लगा। वैसे और भी कोई ब्रांड आप लेना चाहो तो ले सकते हो। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जो मेरा ये मंदिर यहाँ पे रखा है उसके साइड में बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मैंने डेकोरेट कर लिया। मशीन के बारे में भी आपको बता दिया, एक बेडशीट का आइडिया दे दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।